नमस्कार। अक्सर हम प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं जिसका पछतावा हमें जीवन भर रहता है। इसी से जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ये कहानी है एक हिरण और उसके बच्चों की। एक बार एक जंगल में एक हिरण अपने बच्चों के साथ पानी की तलाश में घूम रहा था। हिरण और उसके बच्चे बहुत दिनों से प्यासे थे। पानी की तलाश में वे जंगल के एक कोने से दूसरे कोने में घूम रहे थे, पर उन्हें पानी कहीं भी नजर नहीं आया। अतः थक हार कर अंततः दोपहर के समय वे सभी एक पेड़ के नीचे छांव में बैठ जाते हैं। कुछ समय पश्चात जब वे वहां पर एकदम शांति से बैठे होते हैं तो उन्हें एक उफनती हुई नदी की आवाज़ सुनाई देती है। हिरण और उसके बच्चे एक दूसरे को देखते हैं और पानी की उस लहर को सुनकर उसी तरफ बढ़ते चले जाते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि आसपास कहीं ना कहीं एक नदी ज़रूर है, इसलिए वे मन ही मन बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद नदी को देखते ही सब दौड़कर पानी पीने के लिए उस नदी में पहुंच जाते हैं और पानी पीने के लिए अपना सिर नीचे करते हैं। खुद की और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए वह हिरण अपने चारों तरफ देखता है। तभी उसे बाईं तरफ हिरण पर नजरें गड़ाए एक शिकारी दिखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन प्यार से अपने बच्चों को पानी पीता देख हिरण उन्हें उस शिकारी के सामने होने का कोई संकेत नहीं देता है और खुद घबराने के बावजूद भी स्वयं चुपचाप पानी पीने लग जाता है। कुछ सेकंड के बाद जब हिरण की नज़र दाईं तरफ जाती है तो उसे कुछ दूरी पर खड़ा हुआ एक शेर नज़र आता है। अब हिरण पहले से भी ज़्यादा डर के मारे सहम जाता है, लेकिन धैर्य रखकर फिर भी अपने बच्चों को कुछ नहीं बताता। अब बाहर से देखने में हिरण भले ही नदी में पानी पीता दिखाई दे रहा था, परंतु मन ही मन वह अपनी दाएं और बाएं खड़ी समस्या के बारे में सोच रहा था। हिरण सोचता है कि अब मुझे अपने बच्चों को पानी पिलाकर पीछे की ओर भागना पड़ेगा। लेकिन जब हिरण पीछे की ओर देखता है तो उसे जंगल की तरफ से आती हुई आग की लपटें दिखाई देती हैं। अब मानो हिरण के जीवित रहने की सारी उम्मीदें मर चुकी थी और वह सोचने लगता है कि अगर मैं आगे की ओर जाऊंगा तो सामने नदी है और मेरे छोटे से बच्चे उस नदी की धारा में बह जाएंगे। अगर मैं पीछे की ओर जाता हूं तो मैं और मेरे बच्चे आग की लपटों में जलकर राख हो जाएंगे। अब हिरण के सामने बचने का कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता, क्योंकि हिरण के एक तरफ शेर खड़ा होता है और दूसरी तरफ शिकारी, एक तरफ नदी है और दूसरी तरफ आग। हिरण ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और यह सोचा कि अगर मेरे सामने चारों तरफ समस्याएं खड़ी हैं तो क्यों ना मैं आखिरी सांस तक इसका सामना करूं। यह सोचकर हिरण अपना काम करने लग जाता है और जी भरकर पानी पीता है। जब हिरण पानी पी रहा होता है उसी समय शिकारी जो बाण छोड़ता है वह निशाना चूकने की वजह से शेर को लग जाता है और बाण लगते ही वह शेर गुस्से से दहाड़ने लगता है और उस शिकारी का पीछा करने लगता है। मौका देखते ही हिरण खुशी के साथ अपने बच्चों को लेकर जंगल की तरफ चला जाता है। इस प्रकार अब हिरण अपनी सारी समस्याओं से छुटकारा पा चुका था जो उसके सामने खड़ी थी। हमें हिरण की इस छोटी सी कहानी से यह संदेश मिलता है कि समस्या हर किसी के जीवन में आती है, लेकिन हमें समस्या आने पर घबराकर फैसले नहीं लेने चाहिए। परेशानी को देखकर हमें जल्द हार नहीं माननी चाहिए, धैर्य रखकर उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक समस्या के जन्म के साथ ही उस समस्या का हल भी हमारे सामने ही होता है। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल न मिल सके। तो जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूँगी कि समाधान हर मुश्किल का है, खुद पर यकीन होना चाहिए, तन मन धन से बस प्रयास बेहतरीन होना चाहिए। धन्यवाद।